qualities with the... Oh, come on. वही हीरों का सेट है जो मैंने नथुमल ज्वेलर्स की दुकान से चुराया था। मैं इसका 5 लाख देता हूँ। 6 लाख? 6 लाख नहीं, 6 साल कैद। इंस्पेक्टर, घबराने की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ इंस्पेक्टर, धंधा गरम है, जल्दी बोलो क्या चाहते हो। इस हार के साथ तुम सबको अंदर करना। ऊपर मेरा डीलक्स रूम है, विस्की और खाना भिजवा देता हूं। लौंडिया तो तुम लाए हो, और साथ में 5,000 रुपए। डीलक्स रूम, विस्की और 5,000 रुपए। शाबाश करण, शाबाश। इस हार को हासिल करके तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचा ली। डैडी, इन्होंने क्या पिटाई की है उन गुंडों की? मैं जानता हूँ बेटी, ये हमारा बड़ा बहादुर और काबिल ऑफिसर है, इसीलिए तो हमने इसकी ट्रांसफर सीतापुर कर दी। सीतापुर? हाँ सीतापुर, वहाँ पर आजकल डाकुओं का बड़ा आतंक है। करण सिंह, हमें पूरा यकीन है कि वहाँ पर भी तुम पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बढ़ाओगे। ऑल द बेस्ट। उत्तम, सारा सामान गाड़ी में रख दिया, तुम गाड़ी के पास रुको, हम अभी आते हैं। ये लीजिए, आजकल तो आप गांव में रुकते ही नहीं, महीना भर बाद आते हैं, और वो भी सुबह आए शाम को चले गए। अब क्या करूं, शहर में नया होटल खुलने वाला है, यहाँ गांव में पंचायत की इलेक्शन है, मेरा दोनों जगह रहना बहुत जरूरी बन जाता है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, थोड़े दिन के लिए मैके चली जाओ। मैं भी यही सोच रही थी, कल ही चली जाऊंगी। ठाकुर साहब नमस्ते, आप कौन है? दूसरों के लिए इंस्पेक्टर करण सिंह, लेकिन आपके लिए मुन्ना, गीता दीदी का छोटा भाई। तुम वही हो ना जिसे बचपन में गीता ने पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था? जी, मैं ही वो भाग्यशाली हूँ जिसे बचपन में माँ की गोद तो नहीं मिली,
लेकिन माँ जैसी दीदी जरूर मिली। दीदी कहाँ है? तुम्हारी दीदी अब इस गांव में नहीं रहती बेटा। तो फिर कहाँ रहती है? मैंने मालूम करने की कोशिश की थी लेकिन किसी को पता नहीं, न जाने वो कहाँ चली गई। चली गई? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? तुम्हारी बहन उस गवार रामू के साथ भाग गई। भाग गई? मैं कुछ समझा नहीं ठाकुर साहब। मेरे दोस्त की अंगूठी और कुछ पैसे चुराए थे उसने। उसे 6 महीने की जेल की सजा हो गई थी। जेल से जब छूटी तो गांव वालों के डर के मारे उस गवार रामू के साथ भाग गई वो। ठाकुर प्रताप सिंह, ठाकुर बहादुर सिंह। आप इन्हें जानते हैं पिताजी? हाँ बेटी, और बहुत ही जल्द इन दोनों की लाशें तेरे कदमों में होंगी। नहीं पिताजी, ये मेरा बदला है। इनके सीने पर सिर्फ मेरी ही गोली चलेगी। प्रताप सिंह पर हमारे लोगों की नजर है। वो एक दिन के लिए गांव आया था और शहर चला गया। लेकिन ये दूसरा बहादुर सिंह, इसका ठिकाना मुझे मालूम है। तो समझ लीजिए पिताजी, उसकी माँ का बुलावा भी आ गया।
बेटी, मैं बाहर इनको संभालता हूँ, तू अंदर जाकर अपने शिकार को संभाल। जल्दी करो बेटी। मौत। बजे तेरी मौत। अबे और मरना है क्या? अरे नहीं मरना, तभी तो भाग रहा हूँ। आप मुझे बता लीजिए वरना मुझे मार देगी। कौन मार देगी? वो उधर। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल नहीं हूँ, मेरा नाम बहादुर सिंह है, लेकिन मौत के डर से मेरी सारी बहादुरी मेरी हवा हो गई है। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, उसने मुझे मौत की, तुम की दी है। लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी है। मैंने पी जरूर है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कसम परमिट के मैं नशे में नहीं हूँ। मुझे चारों तरफ मौत में घेर रखा है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर। चारों तरफ है? कहाँ है मौत? इधर से नहीं, उधर से, उधर से नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, पागल हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है? मेरा घर है, मुझे वहां छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, वहां मौत नहीं आ सकती, मुझे मेरे घर में छोड़ दीजिए जल्दी। मेरा घर। इस घर में तुम अकेले रहते हो? हाँ अकेला रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी मर्जी के बगैर ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। इसका मतलब है यहाँ तो तुम्हें कोई खतरा नहीं ना? ना यहाँ पर कोई खतरा नहीं है मुझे, मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ। ठीक है तुम यहाँ आराम करो, मैं चलता हूँ, लेकिन नो ड्रिंक्स एंड नो वरी। ओके ओके, नो ड्रिंक्स नो वरी। ओके 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 ओके। कसम परमिट की मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे मना करने पर भी तुमने शराब पी ली? हाँ अरे पी ली, काली लीली सब बराबर होली। मेरे दरवाजे के घर पे मौत लिखी हुई है। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे घर के दरवाजे पर है? तुम्हें कैसे मालूम? तुमने तो बताया। मैंने बताया कसम परमिट की इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकम टैक्स देता हूँ, वेल्थ टैक्स देता हूँ, सेल टैक्स देता हूँ, कसम परमिट की। अगर मुझे कुछ हो गया तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का क्या होगा? मुझे बचा लो।
तुम खामा खा घबरा रहे हो, किसी दोस्त ने तुमसे मजाक किया होगा। मजाक किया होगा? कोई मौत का मजाक करेगा क्या? 4:30 बज गए, मौत का सिर्फ आधा घंटा बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल धड़क रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ छुप जाता हूँ। ओफो, ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे छुपना है, मुझे मौत से छुपना है। मैं यहाँ छुप जाता हूँ, सांखों के पीछे छुप जाता हूँ, यहाँ बच जाऊंगा। अबे ओ बेवड़े, बंद कर रहे हैं बकवास। मौत हो चुका, ये पुलिस स्टेशन है, मौत यहाँ नहीं आ सकती। चलो बाहर निकलो। हम अंदर आ सकते हैं, अल्लाह के फजल से सही सलामत यहाँ तक तो पहुँच ही गए। अब तुम मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। मौत? क्या आपको भी मौत ने धमकी दी है? नहीं, मौत की ही धमकी दी है डाकू धर्मा ने। धर्मा? जी हाँ, बड़ा खतरनाक डाकू है, जो कहता है वो ही करता है। क्या कहा उसने? हमारी बेटी के जेवर मांगे हैं काली पहाड़ी पर। कल हमारी दुख्तर नेक अख्तर की शादी होने वाली है, अगर आज 5 बजे तक सेवर नहीं पहुंचाए तो अल्लाह ना करे। उसने कहा है कि कल हमारे घर से डोली नहीं जनाजा निकलेगा। अब्बा जान, मैं तो कहती हूँ ये जेवर उन्हें पहुंचा दो, मैं सारी उम्र कुंवारी बैठी रहूंगी, लेकिन अल्लाह ना करे आपका कुछ हो गया तो। ला हौल वला कुव्वत, एक जवान बेटी बिन शादी के घर में बैठी रहे तो इससे जलील मौत और एक बाप की क्या हो सकती है। पिता, अगर हमारी इन बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी सी भी जान होती तो हम डाकू धर्मा को ललकारते, और बखुदा उस डाकू धर्मा की लाश पर से अपनी बेटी की डोली ससुराल पहुँचाते। मगर ये कमबख्त बूढ़ा, देखिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जनता की सेवा करना, उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और आपने तो मुझे बेटा कहा है। इस रिश्ते से ये मेरी बहन हुई, और एक भाई के होते हुए बहन की डोली न उठे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उठ रहो, जीते रहो, सलामत रहो। देखा बेटी, अगर तेरा सगा भाई भी होता तो वो भी यही कहता। अगर मेरा भाई होता। रो मत बहन, मुझे अपना सगा भाई समझो। हाँ। 5:15 बाकी हैं। जेवरात कहाँ हैं? ये हमारे पास पोटली ली हैं। चलिए। अरे मेरा क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? विनय सिंह। यस इंस्पेक्टर। पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लो, जब तक मैं ना आऊं कोई भी अंदर ना आने पाए। ओके सर। आइए मेरे साथ। हाँ, पहले आप बेटी, घबराना नहीं, पुलिस स्टेशन बाहर से घिरा हुआ है। बरसुरदार, जरा रोकिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? 5 बजने वाले हैं, हमारा तो ठरके मारे निकलने ही वाला है, अगर आप इजाजत दें तो। जल्दी जी, ये पोटली सवाल कर रही है। कम वक्त बुढ़ापे में मसाना भी कमजोर हो जाता है। कोई नहीं रोक सकता इंस्पेक्टर। मौत? आदावर से
नहीं नहीं आप पानी पिएंगे? पानी पिला दो। लीजिए। आप क्या बहुत बड़े डाकू? मैं कोई डाकू वाकू नहीं हूँ, कसम परमिट की। शरीफ आदमी हूँ, इनकम टैक्स भरता हूँ। फिर आप अंदर क्यों हैं? मैं अंदर लाया नहीं गया हूँ, मैं खुद आया हूँ। क्यों? मौत ने मुझे धमकी दी मारने के लिए। कमाल है, पुलिस स्टेशन के चारों तरफ पहरा है, फिर मौत कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? क्यों आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। लेकिन आ भी सकती है, है? पांच बज गए। अब तो मौत आ ही नहीं सकती, पांच बज गए। पांच बज गए नहीं, पांच बजे हैं। तुम गीता? हाँ, मैं गीता, सीतापुर की गीता, जिसे तुम लोगों ने मौत बना दिया। क्या हुआ विनय सिंह? सर, वो लड़की मौत थी, इस तरफ भाग गई। थैंक यू वेरी मच, कसम परमिट की, अगर आप टाइम पे नहीं आते तो वो मौत मुझे मार देती, मेरा नाम नाम सत्य हो जाता। लेकिन इन डाकुओं को पकड़ने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। मदद? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पुलिस की वजह से वो आप पर दोबारा यहाँ तो हमला नहीं करेंगे, इसीलिए हम चारों तरफ खबर फैला देंगे कि कल दुर्गा माँ के मंदिर में आप जा रहे हैं। भीड़ का सहारा लेकर वो आप पर हमला जरूर करेंगे। वहाँ इंस्पेक्टर साहब, वहाँ कसम परमिट की, क्या सुपरसोनिक आइडिया दिया है आप मुझे, जानबूझकर मौत के मोमेंट करना चाहते हैं? जी नहीं, शेर का शिकार करने के लिए बकरी का चारा डालना जरूरी है। वो आप पर हमला करेंगे और हम सादे लिबास में आपकी हिफाजत करेंगे और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। माँ की सौगंध, दुर्गा माँ के आशीर्वाद से मैं उस पापी को माँ के मंदिर में ही मारूंगी। ठहरो, इधर आ जाओ। अरे सब क्या है? जाओ। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, मुझको बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, हमने कहा ना हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम क्या मेरी रक्षा करोगे? अब तो मेरी माँ ही रक्षा करेगी। माँ, माँ मेरी रक्षा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।
आर्ग्यू विद मी। बहादुर सिंह की मौत की जिम्मेदार तुम हो, पुलिस डिपार्टमेंट से। लेकिन सर मैं सोच भी नहीं सकता था कि मौत देवी माँ का रूप धारण करेगी। देखो करण सिंह, तुम अभी नए नए पुलिस में आए हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाए। आइंदा से किसी भी पब्लिक के आदमी को चारा बनाने की कोशिश हरगिज नहीं करना। पब्लिक के आदमी को चारा नहीं बना सकते सर, लेकिन पुलिस वाले को तो चारा बना सकते हैं। क्या मतलब? वो लड़की जिसने मौत बनकर इतने सारे कत्ल किए उसकी मदद धर्मा डाकू करता है। वही धर्मा जिसकी हिफाजत में रहने वाले को कोई लूट नहीं सकता। राइट सर, इस इलाके में कोठा है नीलम बाई का। उस नीलम बाई ने धर्मा डाकू को एक बार पुलिस से बचाया था। आज धर्मा डाकू का नाम उस कोठे की हिफाजत करता है। बड़े बड़े सेठ लोग वहां गाना सुनने जाते हैं। मेरा प्लान है सर। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया। हम खुद नीलम बाई के कोठे पे जाएंगे। हम सलाम करते हैं दिल में आने वालों, हम सलाम करते हैं दिल में आने वालों, हम सलाम करते हैं। शायद तुम ये नहीं जानते इस कोठे की हिफाजत धर्मा का नाम करता है। धर्मा, ये किस खेत की मूली है? तुम कौन हो? जग्गा, डाकू जग्गा। जग्गो? वो मध्य प्रदेश जो मशहूर डाकू जग्गो? हाँ सेठ, हम वही है। सुनो नीलम भाई, इस सेठ को और लौंडिया को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। कल 12 बजे तक नंदी पहाड़ी पे 10 लाख रुपए नहीं पहुंचे तो इन दोनों की लाशें मिलेगी। जग्गा, ये नाम तो हमने इस इलाके में पहली दफा सुना है। वो मध्य प्रदेश से आया है, आपका नाम लेके डराया तो उल्टी सीधी बातें करने लगा, बड़ा जालिम लगता है। तो उसे मध्य प्रदेश ही वापस जाना होगा। इस इलाके में धर्मा हर जालिम के जुल्म का जवाब है नीलम भाई। कौन है तू? तुम्हारा बाप धर्मा। धर्मा, यही नाम है तुम्हारे बाप का? हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं, इसीलिए हम तुम्हें बाप मानकर एक मशवरा देते हैं, वापस चले जाओ। हमारी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। हम वापस जाने नहीं, तुम्हें सजा देने आए हैं। डाकू को सजा कानून देता है। डाकू नहीं, धर्मा का अपना कानून है जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी डाकू में नहीं। धर्मा, हमसे दुश्मनी मत लो, बहुत भारी पड़ेगी। इससे पहले कि हमारे रिवॉल्वर की गोली तुम्हें हल्का करके जमीन पर गिरा दे, उन दोनों को मेरे हवाले कर दो और हमारा इलाका छोड़कर चले जाओ, वरना मारूंगा।
जग्गा चल खोल उन्हें अपने हाथों से। चलो खोलो जल्दी। अरे सुनो भाई, तारो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तनु 5,00,000 रुपये दूंगा। अरे सेठ, इंसान को क्या चाहिए, दो वक्त। सेठ सेठ नहीं, आईजी पुलिस श्रीवास्तव। और आपके इस बेटे का नाम है इंस्पेक्टर करण सिंह। हैंड्स अप। गीता बहन बापू के पुलिस पकड़ के ली गवा। बापू अब कहाँ हैं? उनको धोखे से इंस्पेक्टर ने नंदी पहाड़ी पर बुलाई के पुलिस थाने में बंद कर दिया। देख लेना, इस धर्मा के जरिए हम बहुत जल्द मौत तक पहुंच करेंगे। चल शराब पीकर झगड़ा करता है। है शराब अपने पैसों से पीता हूँ, तेरे बाप के पैसों की नहीं पीता। क्या बात है हवलदार? ये साला हवलदार, गाली नहीं देना। साला गाली होता है क्या? हम साला बचपन से साला बोलता है। हाँ अब ये शराब पीकर लड़की को छेड़ रहा था। छोड़ हाथ हटा साला। साहब बस एक लड़की को हाथ लगा दिया था, पता नहीं उसका भाई ऊपर से कहां से आ गया, हमने जमा के जोर से एक हाथ लगा दिया, ये हौलदार साला। अरे बकवास बंद करो वरना अंदर बंद कर डालूंगा। अरे जा जा, तू कौन होता है अंदर बंद करने वाला है? तू जानता है मैं कौन हूँ? और शट अप, शट अप। अंग्रेजी में गाली देता है, अब के गाली दिया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ। पहले मैं तेरा थोबड़ा साफ करता हूँ। इंस्पेक्टर समझ ले तूने मौत को अंदर बुला लिया। चलो प्रताप सिंह गांव आ रहा है, कल गांव की पंचायत का चुनाव है। हाँ हर साल वो चुनाव के लिए गांव आता है और जीत की खुशी में जश्न भी मनाया जाता है। लेकिन कल उसका ये जश्न उसकी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। इन पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई होगी, खास कर धर्मा को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के बाद तो वो नया इंस्पेक्टर तिल मिला गया होगा। हाय। अरे तुम शहर से कब आई? अरे वाह यार, जब तक वर्दी नहीं मिली थी तो दीदी की याद में थे, अब वर्दी और दीदी दोनों मिल गए हैं तो हमें ही भूल गए। पिंकी तुम नहीं जानती यहाँ के हालात क्या हैं, डाकुओं ने नाक में दम कर रखा है। इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर साहब आप ये देखिए, ठाकुर प्रताप सिंह आज का जश्न तेरी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। मौत मौत? हाँ मौत, इससे पहले भी मेरे दो साथियों की मौत के जिम्मेदार है ये मौत। आप फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, आपके जश्न की निगरानी हम पुलिस वाले करेंगे। आपको इस तरह वर्दी में देखकर क्या मौत हमारे सामने आएगी? जी नहीं, हम मौत का इस्तकबाल धूमधाम से करेंगे। हम कौन है क्यों आए हैं ये त
सबको बता देंगे। जो कुछ करने आए हैं वो करके दिखा देंगे। जो कुछ करने आए हैं वो करके दिखा देंगे। सबसे टकराने का तुझको अब मजा चखा देंगे। महबूबी उठ जा वरना हम दुनिया से उठा देंगे। दुनिया से उठा देंगे। तुझे पहचान गए हैं मौत। मौत? इनकी तुम निकल जाओ।
खबरदार मौत। बाप के होते बेटी को कोई नहीं पकड़ सकता बेटे। सीता बेटी अपने दुश्मन को खत्म कर दे। दुश्मन तो खत्म होंगे पिताजी, लेकिन इस वक्त आपका बचना बहुत जरूरी है। चलिए मेरी फिक्र ना कर, तू चल जल्दी कर। नॉनसेंस, तुम जैसे पुलिस ऑफिसर की नाक के नीचे से पुलिस स्टेशन में बंद मुजरिम भाग जाए, जिस जश्न में तुम और पुलिस वाले भेस बदल के जाओ, वहाँ से डाकू बच के निकल जाए, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जानते हो अखबार वालों ने क्या हंगामा मचा रखा है? ऊपर वाले मुझसे जवाब तलब कर रहे हैं, इसलिए मुझे फिर यहाँ आना पड़ा। पुलिस स्टेशन पे तो मैं इत्तफाकी तौर पे धोखा खा गया था, लेकिन उस जश्न से उनका बच निकलना उन डाकुओं की खुशकिस्मती थी। आईजी साहब, ये खुशकिस्मती डाकुओं का साथ उस वक्त तक देती रहेगी जिस वक्त तक सीतापुर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर करण सिंह रहेगा। ठाकुर साहब, आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम जिम्मेदार हो तो मैं इज्जतदार हूँ, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। ठाकुर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि करण सिंह डाकुओं से मिला हुआ है? जिस तरह दूध और पानी आपस में मिले हुए हैं। ठाकुर साहब, चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं बन जाता बरखुरदार। सर, जिस औरत ने मौत बनकर बेदर्दी से बहादुर सिंह को खत्म कर दिया, जिसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, जिसने मेरे साथियों को मार डाला, उसका नाम गीता है, सीतापुर की गीता। और वो सीतापुर की गीता इंस्पेक्टर करण सिंह की सगी बहन है। वो मेरे घर में काम करती थी, चोरी के इल्जाम में जेल गई, इस बात का गवाह खुद इंस्पेक्टर है। क्या ये सच है करण? जी सर, लेकिन इस वक्त से पहले मैं ये नहीं जानता था कि दो बार मौत बनकर मेरे सामने आने वाली मेरी ही मां समान बहन है। मैं सच कहता हूं। झूठ बोल रहे हो तुम। ठाकुर प्रताप सिंह, एक इंस्पेक्टर से इस तरह बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं। करण सिंह, जिसे अधिकार है वो तुम्हें हुक्म देता है कि जब तक डिपार्टमेंट के सामने तुम्हारी पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। सर? आज के बाद तुम्हें ये वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन सर, आईजी श्रीवास्तव को इस दुनिया में एक चीज से बहुत नफरत है और वो है कानून। तुम्हारी बहन तो होनी है ही, अगर तुम जैसा कानून का रखवाला भी उसके साथ मिला हुआ निकला तो मैं गीता के साथ साथ तुम्हें भी फांसी की सजा दिलवाऊंगा। ओ गीता बहन, ओ गीता बहन, तोहरे भैया के पता लग गवा। क्या कहा है मेरा मुन्ना? वो जो नवा इंस्पेक्टर है ना, वो है तुम्हार भैया है। ओह, सारा गांव में शोर मचा है कि उसकी पुलिस की नौकरी छूट गई। क्या? और सब लोग यही कहते हैं कि उसने जानबूझ के तोह के भगा दिया, कहे कि वो तुम्हार छोटका भैया है ना। नहीं, मुन्ना, मेरा मुन्ना, कितना बड़ा हो गया रे तू, मैं तो तुझे पहचान ही न सकी। जिन आंखों में बहन के प्यार की जगह खून खराबे के शोले भर जाए, वो भाई को पहचान कैसे सकती है? मुन्ना, बड़ी बहन से बरसों बाद इस तरह से मिलते हैं। बहन से मिलने के सपने की चिता को तुमने उस वक्त आग दे दी थी जिस वक्त तुम चोर और डाकू बन गई। करण, क्या क्या सपने देखे थे मैंने। वर्दी पहनकर गांव जाऊंगा तो बहन खुशी से फूली न समाएगी, सारे गांव से फक्र से कहेगी, ये देखो मेरा भाई, मेरी मेहनत। जिस भाई को पौधे की तरह बरसों सींचा, आज वो सायदार पेड़ बन गया है। और मैं
मैं अपनी बहन की जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। नौकरानी बनकर जो दुख उन्होंने उठाए हैं, मालकिन बनाकर उनके जीवन को सुखी कर दूंगा। अरे उनकी इतनी सेवा करूंगा कि बरसों तक इस भाई को वो दुआएं देती रहेगी। मेरी बात तो सुन मेरे भाई। मत कहो मुझे भाई, तुम मेरी बहन नहीं हो, बहन के नाम पे श्राप हो। तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, कर्तव्य निभाने की शिक्षा दी और खुद अपने करतूतों से मेरे मुंह पे कालक पोत दी, मेरे शरीर पर कानून की वर्दी पहनाई और अपने गुनाहों की ज्वालामुखी से मेरे जिंदगी में आग भर दी, अपने ममता के पालने में मुझे पाल कर जिंदगी दी और खुद बात बन गई। मैं तेरे भविष्य को जलाने वाली ज्वालामुखी हूँ, मैंने तेरे मुंह पर कालक पोती है। वाह मुनव्वा, बड़ा दिल खुश कर दिया तूने बड़ी बहन का, बहुत अच्छा बदला दिया अपनी बहन के भरोसे का। ये लो पिस्तौल और उतार दे इसकी सारी गोलियां मेरे शरीर में। भगवान की सौगंध, इतना गहरा घाव इस गोली का नहीं लगेगा जितने तूने शब्दों का लगाया है मेरे दिल में। अरे इतना तो सोच लिया होता, मेहनत मजूरी करके अपने भाई को इज्जत की जगह पर देखने वाली गीता सीतापुर की गीता क्यों बन गई? अपने भाई को कानून की वर्दी पहनाने का सपना देखने वाली कानून तोड़ने वाली क्यों हो गई? जिंदगी भर झूठे बर्तन मांझ कर शराफत की जिंदगी चाहने वाली मौत क्यों बन गई? तो सुन, चोरी के इल्जाम में सजा भुगतने के बाद भी मेरे मन में बदले की भावना नहीं आई। तेरा पता ठिकाना मालूम नहीं था, वरना सीतापुर की तरफ मैं आती भी नहीं। तू मेरा भाई है, हम दोनों ने एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है, तूने भी मुझे गलत समझ लिया। लेकिन वो रामू जिसने बचपन से ही मेरा साथ दिया, मेरे जख्मों पर मरहम रखा, मुझसे शादी कर ली, लेकिन वो प्रताप सिंह और उसके साथियों ने मेरे रामू को जान से मार डाला और तेरी बहन की आबरू लूट ली। दीदी, गीता ने किसी बेगुनाह का खून नहीं किया, किसी बेकसूर का सताया नहीं। हाँ, सजा जरूर दी है उन कुत्तों को, जो जिंदा रहते तो न जाने और कितनी गीताओं को बर्बाद करते और कितने भाइयों की बहनों को खून के आंसू रुलाते। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, दीदी मुझे माफ कर दो। कानून का रक्षक होते हुए मैंने तुम्हें सब कानून तोड़ने वाला समझा, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुन्ना, मेरा मुन्ना, मुझे गिरफ्तार कर लो। दीदी, अपनी वर्दी वापस ले लो, तेरी मोहब्बत, तेरे भविष्य के लिए मैं अपने बदले को भूल जाऊंगी। मुझे गिरफ्तार कर लो मुन्ना, गिरफ्तार कर लो। दीदी, इससे पहले के कानून के हाथ और दुश्मनों की गोलियां मुझ तक पहुंचे, मैं अपने एक एक दुश्मन को खत्म करके कानून के हाथों से बहुत दूर भाग जाऊंगा। चलो।
तुम्हारा खेल खत्म हो गया। और इस खेल के खत्म होने में इतनी देर क्यों लग गई जानती हो? क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ, जान से मारना नहीं चाहता। और जिंदा क्यों गिरफ्तार करना चाहता हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। ले चलो इसे। चीफ, मैं जानता था कि तू अपने शरीर पे लगा हुआ हर जख्म बर्दाश्त कर पाएगी, लेकिन अपनी रूह अपनी आत्मा के शरीर पे एक जख्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि तूने उसे बचपन से पाल पोस के जवान किया है। बोल, तेरा बाप धर्मा कहाँ है? बोल, नहीं बोलेगी? पिताजी, तेरा बाप धर्मा यहाँ है प्रताप सिंह। खबरदार, किसी ने हरकत की तो प्रताप सिंह को भून दिया जाएगा। फेंक दो हथियार। जी तो चाहता है कि सारी गोलियां तेरे पापी शरीर में उतार दूं, लेकिन बेटी की सौगंध से मजबूर हूं, जो अपना बदला अपने हाथों से लेना चाहती है। ये पुलिस वाले को क्यों खोल रही हो? हमारा मुन्ना है करण। फेंक दो बंदूकें, वरना जीत हमारी जाएगी। मैं कहता बंदूकें फेंक दो। वेल डन तेजू, लेकिन तुम जेल से छूट के यहाँ कैसे आए? छूटा नहीं ठाकुर, भाग आया। और खुशी तो इस बात की है कि जिसकी वजह से जेल गया था, आज उसी इंस्पेक्टर से बदला लेने का मौका मिल गया। क्यों इंस्पेक्टर, याद है ना मैंने कहा था कि एक मुलाकात और होगी?
तेरी सागन पूरी होने तक अब क्या शायद मैं तेरा साथ न न सौगन पूरी कर ली है मुन्ना, अब तू अपनी ड्यूटी पूरी कर ले।